हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर इन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री एंड दैट इज यूनिट सर्कल, इट इज बिगिनिंग ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। तो सर, ये आगे जो लेक्चर्स लिए वो क्या था? वो भी बिगिनिंग था, पर ये बेस है, बेस पूरा। यूनिट्स, विदाउट यूनिट सर्कल यू कांट स्टडी द ट्रिगोनोमेट्री। सो यूनिट सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सारे टॉपिक थे पर वो हेल्पफुल है, वो खुद अलग टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि वो ट्रिगोनोमेट्री में ही काम में आता है, बट दे आर डिफरेंट टॉपिक, पर ये तो पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्री के लिए ही बना हुआ है, राइट? सो टुडे वी विल स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्री यूनिट सर्कल। बिफोर दैट हम थोड़ा फोकस करेंगे एक्सिस पर, जो आप टेंथ में पढ़ के आए हो, जिसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑल्सो वी कैन से कार्टेशियन एक्सिस भी बोल सकते हैं। व्हाई कार्टेशियन एक्सिस? बिकॉज देयर वेर टू रशियन मैथमेटिशियन, द नेम आर मिस्टर ह्यूगो डेकार्टे एंड मिस्टर रेने डेकार्टे। उन्होंने पूरा कार्टेशियन ज्योमेट्री डिफाइन किया हुआ है, तो उनके रिस्पेक्ट में कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इस तरह से हम कार्टेशियन करेंगे। सो कार्टेशियन प्लेन आल्सो वी कैन से। तो सबसे पहले थोड़ा फोकस यहाँ पे करेंगे, देन विल स्टार्ट यूनिट सर्कल और फिर हमारी एंट्री हो जाएगी। आज हमें एंट्री कार्ड मिल जाएगा ट्रिगो के लिए, सो संभाल के रखना एंट्री कार्ड। विदाउट एंट्री कार्ड यू कैन नॉट एंटर इन द टॉपिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, राइट? सो लेट मी स्टार्ट। सी, इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ऑल्सो यू कैन से एज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जो आप नाइन्थ और टेंथ में पढ़ गया है, राइट? इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। From origin to right hand side is called positive x-axis. From origin to left hand side is called negative x-axis. In the same way, upper side is called positive y-axis and lower side is called the negative y-axis. These two axes making four quadrants. We have four quadrants. It is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. This line x-axis is also known as horizontal line. याद रखना, it is also known as horizontal line. Horizontal line is pronoun, whereas x-axis is proper noun. मतलब वर्ल्ड की जितनी भी lines parallel to x-axis है are called horizontal lines. जरूरी नहीं कि सिर्फ x एक्सिस ही हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ऑल द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू x एक्सिस आर नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइंस, और y एक्सिस इज नोन एज वर्टिकल लाइन, एंड ऑल द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू y एक्सिस आर आल्सो कॉल्ड वर्टिकल लाइंस। Vertical line is pronoun and y-axis is proper noun. बराबर याद रखना बेटा। At the intersecting point of x-axis and y-axis is called origin. Right? Okay. Now it is first quadrant. It is called first quadrant. It is known as second quadrant. ये सब आप जानते ही हो। Third quadrant. And it is called fourth quadrant. Now, if it is positive x-axis, तो यहां पे after one unit it will be one,
दो यूनिट के बाद हम नंबर देंगे टू, थ्री यूनिट के बाद नंबर थ्री. इफ वी आर इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस आफ्टर वन यूनिट डिस्टेंस इज वन यूनिट बट विल राइट माइनस वन. दिस माइनस शोस दिस माइनस शोस यस नेगेटिव डायरेक्शन. माइनस टू आफ्टर टू यूनिट आफ्टर थ्री यूनिट्स माइनस थ्री आफ्टर फोर यूनिट्स माइनस फोर. इन द सेम वे फॉर वाई एक्सिस इट विल बी वन. इट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस टू थ्री फोर फाइव. एंड फॉर नेगेटिव वाई एक्सिस माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर वी कैन से. नाउ सी द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस. सो रिमेंबर इट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी विल गेट पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट एंड पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट. इन द सेम वे द सेकेंड क्वाड्रेंट इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस. सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव. Whereas the third quadrant is formed by negative x-axis and negative y-axis, so in third quadrant both the coordinates will be negative, and in fourth quadrant is formed by positive x-axis and negative y-axis, so in fourth quadrant x will be positive, y will be negative. Right. Also, see how can we define the coordinates. Suppose we are here. So the coordinate of this point will be 1 0. You know this. Why we are writing 1 0? By mathematician ने बोल दिया है कि आपको हमेशा point को दो elements से लिखना है. First element, second element. फर्स्ट एलिमेंट शोज एक्स कोऑर्डिनेट सेकेंड एलिमेंट शोज वाई कोऑर्डिनेट. ऑन एक्स एक्सिस एवरी टाइम वाई कोऑर्डिनेट विल बी जीरो. ये आपको पता है. ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो. अगर मैं यहाँ पे हूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 0. अगर यहाँ पे है देन इट विल बी 3 0. इफ वी आर हियर सो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी -0 एंड इफ वी आर हियर the coordinates of this point will be -4 0. So यहाँ पे एक point आपको याद रखना है कि on x axis y coordinate is 0. Y coordinate is 0. Similarly, what about y-axis? Obvious, on y-axis x-coordinate is 0, vice versa. चलो इसके coordinates क्या होंगे? Obvious 0 2, इसके coordinates 0 minus 3, इसके 0 minus 4, इसके it is on both the axis, तो दोनों coordinates इसके 0 0 होंगे. So on y-axis x coordinate is 0. ये भी आपको on x axis y coordinate is 0, on y axis x coordinate is 0. अभी हमारी ट्रेन चालू है. अब I want to write the set theory set form of x axis and y axis. तो कैसे लिख सकेंगे हम? See, चलो मैं x एक्सिस को सेट फॉर्म में लिखना चाहता हूं. x एक्सिस द मीनिंग ऑफ x एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट इज 0. व्हेनेवर द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज 0, व्हेनेवर द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज 0, पॉइंट इज प्लेइंग ऑन x एक्सिस. ये समझना है आपको, राइट? सो x एक्सिस का मतलब होगा कि ऑल द पॉइंट्स y coordinate is 0 will be on x axis. So a 0 where a belongs to R. Similarly for y axis
you can write the set form. Okay, on y axis, x coordinate is 0, so y axis equal to 0b or 0a. A लिखा है तो A belongs to R लिखो, 0B लिखा है तो B belongs to R लिखो. This will be set form of the y-axis. Now positive x-axis, सिर्फ मुझे positive x-axis चाहिए, negative नहीं चाहिए. भाई x-axis तो है, whenever it is x-axis, the y coordinate is 0, so will be a 0. But whenever we have positive x axis, the x coordinate of all the points will be positive, so a greater than 0. So you can write negative x axis also. Also, you can write y axis, negative y axis, positive y axis. Now, first quadrant. Whenever, see, if point is on any axis, its at least one coordinate will be 0. अगर वो x axis पर है, so y coordinate 0 होगा. अगर वो y axis पर है, x coordinate 0 होगा. If it is on both the axis, both the coordinates will be 0. Getting my point? But if the point is neither on axis, point is not on axis, means maybe in first quadrant, maybe in second quadrant, maybe in third quadrant, maybe in fourth quadrant, तो समझ लो कि उसका कोई भी कोऑर्डिनेट जीरो नहीं होगा. No coordinate will be zero whenever the point is in the quadrant. So we are writing the set form of the quadrant. We want to write the first quadrant. In first quadrant, it is the characteristic कि भाई whenever the point is in the first quadrant, its x and y both the coordinates will be greater than zero because this first quadrant is formed by positive x-axis and positive y-axis. So we will write set of AB, no coordinate is zero, such that set of AB such that A is positive, B is positive. In the same way, second quadrant, equal to set of AB. What about second quadrant? The second quadrant is formed by negative x-axis and positive y-axis, so the x coordinate will be less than 0 and y coordinate will be greater than 0. So you can write the set form for the first quadrants, third and fourth. यहाँ पे मैंने सारे जो कार्टेशियन प्लेन है, जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, x-axis और y-axis, ऑलमोस्ट जितनी मुझे जरूरत है सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी. सारी नहीं दे दी, पर मुझे जितनी जरूरत है वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट सर्कल. चलो डेफिनेशन ऑफ यूनिट सर्कल. The circle whose center is origin and radius is 1 unit is called unit circle, is called unit circle. The
the circle whose center is origin and radius is 1 unit is called unit circle. The equation is x square plus y square is 1 and circumference is 2 pi. ये दोनों चीज आपको याद रखनी है. देखो द सर्कल हु सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज 1 unit. व्हेन एवर द रेडियस इज 1 unit, चलो इतना डिस्टेंस 1 unit है, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट विल बी 1 0, बिकॉज 1 इसीलिए कि 1 unit डिस्टेंस है, 0 इसलिए इट इज ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन एक्स एक्सिस द वाई कोऑर्डिनेट इज 0, वी नो दैट. अच्छा तो फॉर दिस इट इज इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट विल बी -1 0. ये भी तो 1 unit होगा बट इट इज ऑन वाई एक्सिस, सो द कोऑर्डिनेट्स विल बी 1 0 1, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, देन इट विल बी 0 -1. इट इज ओरिजिन एंड रेडियस इज 1 unit इज गिवन इन द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट सर्कल. गेट इट? नाउ suppose the circle is intersecting all 2 axes in a b a dash b dash respectively. Circle is intersecting x axis in a and a dash and y axis in b and b dash. ये भी आपको याद रखना है. In this unit circle We have to rotate and we will start from the origin. Sorry, we will start from the A. A is called initiative point to rotate on this circle. यहां पे हमको move होना है. So there are 2 ways, clockwise direction and anti-clockwise direction. If we are in this direction is called anti-clockwise direction. And if we are in this direction is called clockwise direction. Getting or not? When we are in anti-clockwise direction and when we are going to start move on this circle, जैसे ही हमारी जर्नी चालू हुई, हमारी सबसे पहली एंट्री आ गई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, then will be in second quadrant, then in third quadrant, then in fourth quadrant. So order of the quadrant are coming in proper form. But when we are in clockwise direction, see the our entry will be in the fourth quadrant, then third, then second, then first. So हम इसे प्रॉपर डायरेक्शन और इसे इम्प्रॉपर डायरेक्शन, आई विल से इन माय लैंग्वेज प्रॉपर डायरेक्शन इम्प्रॉपर डायरेक्शन याद रखना, राइट. सेकंड थिंग, इफ अगर यहां पे हमने मूवमेंट चालू कर दी, सपोज हमने मूव होना चालू कर दिया, हमने इवोल्यूशन चालू कर दिया, तो फिरते 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 हम यहां पे आ गए. सपोज वी आर हियर, जैसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, हमने मूवमेंट चालू कर दी, फिरते 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 सपोज हम यहाँ पे आ गए, ये प्लेस हमें बहुत पसंद आ गया, इसलिए हम वहां पे थोड़े टाइम के लिए रुक गए, देखा द प्लेस इज वेरी नाइस, जो सिनारियो है बहुत ही अच्छा है, फैमिली के साथ है, हमने सोचा थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करें, एंजॉय करें, then they will move ahead. So वहां से दोस्त को फोन किया कि भाई यार बहुत बढ़िया जगह है, बहुत मजा आया. उसने पूछा कि आप हो कहां पे, where are you? So we don't know the address of this point. हमें पता ही नहीं था कि हम कौन सी जगह पे हैं. Without address, how can we say कि we are here? तो ये जगह का मुझे एड्रेस डिफाइन करना है. कैसे करेंगे? तो उसके लिए याद रखो
एक टॉपिक लास्ट टाइम मैंने आपको दिया था, उसकी भी मुझे जरूरत पड़ेगी, बट आज मैं इसे यूज नहीं करने वाला, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंड के लिए कि अगर आपको पता होगा कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज पाई आर थीटा अपॉन 180, ये फॉर्मूला आप 10th में पढ़ के आए हो, ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे व्हेन थीटा इज इन डिग्री फॉर्म, बट इफ थीटा इज इन रेडियन फॉर्म we will write 180 is equal to pi, so it will be r theta where theta is in radian, where theta is in, अगर theta radian में है तो ये बनेगा l is equal to r theta, और अभी आगे जाना हो तो अगर हमारी बात यूनिट सर्कल में हो रही है, when we are in unit circle, the radius of unit circle is 1, so taking r is equal to 1, it means it will be l is equal to theta if circle is unit circle. तो ये पॉइंट की मैं यूज, ये पॉइंट का यूज करूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर, आज नहीं करूंगा, पर मैंने आपको ये हिंट दे दी. अभी हमारी जर्नी चालू है, हम ये प्लेस पे रुक गए, दिस इज पॉइंट, पॉइंट फॉर पी वी विल टेक, तो हम ये यूनिट सर्कल की ये पॉइंट पे खड़े हैं, बट वी डोंट नो द एड्रेस, तो टू डिटरमाइन द एड्रेस हमने जीपीएस चालू कर दिया. सबसे पहले हमने ओरिजिन से कॉन्टेक्ट किया टू आस्क द एड्रेस, हमने सबसे पहले ओरिजिन से कॉन्टेक्ट किया टू आस्क द एड्रेस, प्लीज गाइड अस एंड टेल अस के वेयर वी आर एंड व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस प्लेस. जब ओरिजिन के साथ आपने कॉन्टेक्ट किया तो उसने आपको बताया कि आप इनिशिएटिव पॉइंट से थीटा एंगल पे हो, आप जहां से जर्नी स्टार्ट की वहां से लेके थीटा एंगल पे यूनिट सर्कल पर हो, तो इसने बोल दिया ओके, सो आई विल राइट पी थीटा. पी थीटा का मतलब क्या होगा, द मीनिंग ऑफ पी थीटा इज पॉइंट ऑन यूनिट सर्कल एट थीटा एंगल, रिमेंबर इट, पॉइंट ऑन यूनिट सर्कल एट थीटा एंगल, एंड ऑल्सो पी थीटा इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक पॉइंट, नाम याद रखना, पी थीटा इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक पॉइंट. पॉइंट ऑन यूनिट सर्कल एट थीटा एंगल. सो यहां पे आप देखो कि एड्रेस दिया किस तरह से दिया, कि भाई आपका इनिशिएटिव पॉइंट से थीटा एंगल पर एड्रेस बन रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ईच थीटा देयर विल बी डिफरेंट प्लेसेस, फॉर ईच थीटा देयर विल बी डिफरेंट प्लेसेस, व्हेन वी चेंज द वैल्यू ऑफ थीटा एवरी टाइम पी थीटा विल बी चेंज इट्स ओन प्लेस ऑन यूनिट सर्कल. So can say for every theta we have unique p theta on unit circle. तो हम क्या लिखेंगे कि भाई theta p theta को घुमाना है, कि theta ने बोला यहाँ पे आओ, चलो इतने angle पे आओ, चलो इतने angle पे आओ, so theta घुमा रहा है p theta को. So we can say for every theta there is unique p theta on unit circle. For all theta belongs to R. For all theta belongs to R, there exists P theta, unique P theta on unit circle. अभी हुआ क्या, देखो P theta तो मूव तो रहा है, वो ऑबे हो रहा है थीटा को, बट व्हेन पी थीटा इज चेंजिंग इट्स ओन प्लेस, पी थीटा इज पॉइंट ऑफ दिस कार्टेशियन प्लेन, एंड इन दिस कार्टेशियन प्लेन ऑल द पॉइंट्स हैव इट्स देयर ओन कोऑर्डिनेट्स,
all the points have their own coordinates, like A ke coordinates 1 0, B ke coordinates 0 1 minus 1 0 0 1, बाकी के हमने डिफाइन नहीं किए, मतलब ये नहीं कि नहीं है. सो पी थीटा को भी कोऑर्डिनेट्स तो मिलेंगे. राइट नाउ वी आर इन जनरल फॉर्म, सो हम लेंगे सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी थीटा आर एक्स एंड वाई. सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी थीटा आर एक्स एंड वाई. So x is called x coordinate and y is called y coordinate. See, when theta order p theta के यहाँ पे आओ, p theta move हुआ, साथ p theta का place change हुआ, साथ ही साथ में values of x and y will be changed because the coordinates will be changed with regarding to the place. जैसे theta ने 0 degree बोला, so p theta यहाँ पे आएगा. जैसे पी थीटा यहाँ पे आया, द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई विल बी 1 0, बिकॉज यहाँ के कोऑर्डिनेट्स तो हम जानते हैं भाई. ये सारे जो प्लेसेस है विच आर अननोन प्लेसेस, अभी इनके क्या कोऑर्डिनेट्स है वी डोंट नो, पर इतना तो पता है कि दे विल बी रिलेटेड सर्कल. सो थीटा घुमा रहा है पी थीटा को, पी थीटा उसका भी बॉस निकला, वो घुमा रहा है दो दो को, एक्स और वाई को. जैसे ही पी थीटा प्लेस चेंज करेगा, एक्स और वाई दोनों को ऑर्डर करेगा, कम विथ मी चेंज योर वैल्यूज. सो हम क्या लिखेंगे यहां पे, फॉर ऑल पी थीटा. अब मैं सिर्फ दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए अलग अलग रिलेशन लिखूंगा, एंड फॉर ऑल पी थीटा दैट एग्जिस्ट, x belongs to R on unit circle. मतलब ये हुआ कि थीटा के मैसेजेस किसे मिल रहे हैं, p थीटा को. p थीटा के मैसेजेस x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को मिल रहे हैं, मतलब दो लोगों को उसके मैसेजेस मिल रहे हैं. तो हमने पहले बात की थीटा टू पी थीटा एंड पी थीटा टू x, बाद में बात करेंगे थीटा टू पी थीटा एंड पी थीटा टू y, दोनों अलग अलग बात करेंगे. इट मीन्स दैट फॉर एवरी थीटा देर इज यूनिक पी थीटा, फॉर एवरी पी थीटा यूनिक x. सो वी कैन राइट देयरफॉर फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू r, there exist x belongs, unique x belongs to R, unique x belongs to R on unit circle such that, मतलब तो ये हुआ कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन थीटा एंड एक्स, के थीटा मैसेजेस दे रहा है पी थीटा को, पी थीटा मैसेजेस दे रहा है एक्स को. मतलब ये हुआ कि थीटा के मैसेजेस पास हो रहे सीधे सीधे एक्स के साथ. सो देयर इज सम रिलेशन बिटवीन थीटा एंड पी थीटा, एंड रिलेशन मे बी द फंक्शन. यही तो हमारा टॉपिक है, सेकेंड चैप्टर यही पे तो एंटर होता है ना, कि रिलेशन फंक्शन हो सकता है सच दैट ये जो थीटा आर में है एक्स भी आर में, तो आर से आर का रिलेशन बनेगा सच दैट एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, इट विल बी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, एंड एफ थीटा इक्वल टू इट विल बी एन एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन और रेंज. एफ थीटा इज थीटा, हियर एफ इज कॉल्ड, हियर एफ is called cosine function. So we will write therefore cos from R to R and in place of f we will write cos. तो मैथमेटिशियन ने हमें परमिशन दी है कि अगर ये ब्रैकेट नहीं करोगे तो भी चलेगा. So we will write x equal to cos theta. So cos is a function. किसके बीच में रिलेशन बनाएगा, वो एंगल एंड x कोऑर्डिनेट
अ पॉइंट विच इज ऑन यूनिट सर्कल। तो कोसाइन फंक्शन को रिलेशन हुआ किसके बीच में, एंगल एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ यूनिट सर्कल, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ यूनिट सर्कल, दिस इज द रिलेशन बिटवीन थीटा पी थीटा एंड एक्स, दिस इज द रिलेशन बिटवीन थीटा पी थीटा एंड एक्स, इट मीन्स द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन थीटा एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज ऑन यूनिट सर्कल। सिमिलरली वी कैन से थीटा का पी थीटा के साथ और पी थीटा का वाई के साथ जो रिलेशन है, दैट रिलेशन इज नोन एज साइन फंक्शन। एंड एफ फ्रॉम आर टू आर एफ थीटा इज इक्वल टू वाई इज कॉल्ड साइन फंक्शन। देयरफॉर साइन फ्रॉम आर टू आर एंड साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, मैथमेटिशियनों ने हमें परमिशन दी है कि आप थीटा को ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन, जो मैंने बाईपास निकाली है, डेप्थ नहीं दी, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी, होगा सिलेबस में पूछेंगे भी नहीं थ्योरी पर, और अगर मैं करवाने जाऊंगा तो आप सो जाओगे, क्योंकि उसका जो बेस है वो पूरा फंक्शन का टॉपिक 12th में है, यहाँ पे नहीं है कंपोजिट फंक्शन वगैरह। सो मैंने क्या कर दिया, पतली गले से ही पूरी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर दी। तो आपको पूरे लेक्चर में से जो समरी बनानी है, जो कंक्लूजन बनाना है, वो ये है कि भी जो एंगल और एक्स कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड कोसाइन फंक्शन, एंड द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन यूनिट सर्कल इज कॉल्ड साइन फंक्शन। ये इसका कंक्लूजन हो गया, एक्स इज कॉस थीटा एंड वाई इज साइन थीटा। क्लियर पॉइंट? अब जब आप 10th में पढ़ के आए थे या 9th में, तो आप लिखते थे के साइन मींस ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस मींस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बात यहां पर भी तो बन रही है कि अगर मैं यहां से प्रोजेक्शन ले रहा हूं ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको ये तो पता ही है कि इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स जीरो, ये भी आप पढ़ के आए हो। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स जीरो है, सो दिस डिस्टेंस विल बी एक्स यूनिट, OP is radius of unit circle and radius of unit circle is 1 unit, तो ये 1 हो गया। तो देखो ये theta है, it is adjacent side, it is hypotenuse, so cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse, यही तो हुआ, यही चीज तो आप 9th 10th में पढ़ के आए हो, कुछ नया तो मैंने करवाया नहीं, सिर्फ मैंने वे चेंज कर दिया, वहां पे डायरेक्ट आपने एक्सेप्ट कर लिया था, लंग में हट कर लिया था, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हल्के वे में, पूरे डीप में जाके नहीं। सो ये हो गया, अब साइन की बारी आ गई। सो ये समझ लो कि यहां से मैंने वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन लिया, तो ये y कोऑर्डिनेट की वजह से इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0y, मतलब ये डिस्टेंस होगा y यूनिट, अगर ये y यूनिट है तो ये भी y यूनिट होगा, इट इज ऑपोजिट साइड ऑफ द थीटा, सो sin थीटा की फॉर्मूला बन जाएगी, sin मींस ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज 1 यूनिट बिकॉज इट इज रेडियस ऑफ 1 यूनिट सर्कल। सो यही चीज तो आप पढ़ के आए हो बेटा। सो ये पूरा जो रिलेशन था मैंने जो आपको समझाया, उसका कंक्लूजन यही हुआ कि कोसाइन फंक्शन मींस रिलेशन बिटवीन एंगल एंड पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ यूनिट सर्कल, कोसाइन फंक्शन मींस रिलेशन बिटवीन थीटा एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ यूनिट सर्कल। सिमिलरली साइन फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन थीटा एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ यूनिट सर्कल, ये इतना याद रखना है आपको, मैंने बताया था कि इसका मैं यूज करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये सारी चीजें बेटा इतनी इंपॉर्टेंट है कि कम से कम आपको 2-3 बार ये लेक्चर देखना पड़ेगा,
तब जाके माइंड के अंदर ये फिट होगा। समझ में तो आ जाएगा फर्स्ट टाइम में, पर फिट नहीं होगा समझ में। किसी को साइकिल चलाते देख लिया, समझ में आ गया सीट पर बैठना है, पेडल पे पांव रखना है, स्टीयरिंग पकड़ना है, प्रेशर करना है, चलेगी साइकिल पर, साइकिल नहीं चलेगी, आप गिरोगे। सो ये समझना भी है और माइंड में फिट करना है, बैलेंस करना है, राइट। सो यहां भी ये लेक्चर मैं खत्म कर रहा हूं और आप सबको बोल रहा हूं कि हो सके तो एटलीस्ट 2 to 3 times ये वीडियो देखना है, राइट। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारी ट्रेंड ट्रिगोनोमेट्री में आगे चलेगी, बिकॉज इनिशियल पॉइंट एक है पर बहुत सारे टॉपिक यहाँ से अलग अलग निकलेंगे, हर एक पॉइंट में यूनिट सर्कल से ही निकलेंगे। मैंने अभी डिफाइन किया साइन और कॉस, अभी बाकी 4 मेंबर का बर्थ बाकी है, टेन कॉट सेक कॉसेक वो भी होगा, बर्थ डेट भी सेलिब्रेट करेंगे। सो टुडे इज बर्थ डेट ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, ट्विंस फंक्शन है, तो सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, खाओ पियो जलसे करो। ओके, सी यू, बाय।